छोटी बहू बड़ी बहू, तू यहाँ बैठकर इसके साथ गप्पे मार रही है? घर का सारा कामकाज कौन करेगा? इतने सारे मैले कपड़े धोने के हैं, कौन धोएगा? जा जाके कपड़े धो। मैं जाती हूँ माँ जी, तुम बैठो राधा, मैं घर का काम करके आती हूँ। चलो दीदी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगी। अरे नहीं नहीं। क्या प्यार उमड़ रहा है एक दूसरे पर। जाओ तुम जाके बर्तन धो, प्यार करने के लिए हम लोग है ना यहाँ। जाओ। जाती हूँ। मायके से तेरे माँ बाप ने तुझे क्या क्या देकर भेजा है? माँ जी, मेरा आज इस घर में पहला दिन है, इसीलिए मैं अपने बारे में आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मेरे भाई में माँ बाप कोई नहीं है, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए। पैदा होते ही अपने माँ बाप को खा गई? क्या शुभ चरणों वाली बहू आई है मेरे घर? माँ जी, मैं तो ये समझ कर यहाँ आई थी कि बचपन में जो माता पिता का प्यार मुझसे छिन गया था, वो ममता वो प्रेम मुझे आपके चरणों में मिलेगा। वाह वाह वाह, क्या रस भरी मीठी मीठी बातें करती है माँ। अरे मैं भी तो चेहरा देखूं छोटी भाभी का, नाप नक्श। अरे मोहिनी, तुझे किसने खबर दी? तू तो अपनी सहेली की शादी में जा रही थी ना? हाँ माँ, मैं जाने की तैयारी ही कर रही थी कि रवि आया और उसने बताया। वैसे शक्ल सूरत तो बुरी नहीं है। शक्ल को डाल चूल्हे में, पहले ये बता कि ये सोने का है या नकली है। माँ जी, ये मेरे स्वर्गवासी माँ के गहने हैं। मरते समय उन्होंने ये गहने मेरे मामा जी के हवाले किए थे, ये कह के कि जब मेरी शादी हो तो ये गहने मुझे पहना दे। बस यही गहने देकर मरी थी तेरी माँ? नहीं माँ जी, और भी गहने हैं उस सूटकेस में। मोहिनी जरा देख तो। हाँ माँ। छी 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 छी, क्या घटिया साड़ी है। ये भी सूती की साड़ी है, इसे तो अच्छे कपड़े हमारी नौकरानी पहनती है। ये अच्छी है ना? ये साड़ी मैं अपनी सहेली की शादी में पहनकर जाऊं? हाँ हाँ पहन ले, इसमें किसी को पूछने की क्या जरूरत है। सुनो, मैं ये साड़ी ले जा रही हूँ और मेरे आने तक ये सूटकेस को हिलाना मत, आकर मैं एक एक चीज को गौर से देखूंगी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। छोटी बहू, सुना नहीं तूने उसने क्या कहा? ये साड़ी पहनकर वो अपनी सहेली की शादी में जा रही है। सहेली की शादी में जाना है तो वो अपनी कीमती साड़ी पहनकर जाए। एक बेकारों की साड़ी पहनेगी तो शर्म नहीं आएगी इसे? घर में आए हुए एक घंटा नहीं हुआ, देखा इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। मैं कहती हूँ दे दे साड़ी। नहीं, जिस घर में नौकरानी भी इससे अच्छी साड़ी पहनती हो, ये इस घटिया साड़ी को पहनने का शौक दिखा रही है। और माँ जी, क्या आपने अपनी बेटी को विदा करते समय एक भी कीमती साड़ी नहीं दी थी जो वो अपनी सहेली की शादी में पहन सके? अरे आप तो बिल्कुल मेरे मामा की तरह गरीब निकली। क्या कह रही हो मेरी माँ को? क्यों, तुम्हारी माँ को मैंने कुछ कहा तो तुम्हारे दिल में आग लग गई? अरे थोड़ी देर पहले तुम लोगों ने मेरी माँ को पता नहीं क्या क्या कहा, सोचो मेरे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी नजरों में मेरी माँ एक भिखारन है तो मेरी नजरों में भी तुम्हारी माँ? नहीं, चुप हो जा राधा। इन लोगों ने मेरे माँ बाप को बुरा भला कहा, गालियाँ दी उन्हें, ये सब सुनकर मैं चुप हो जाऊँ? मैं चुप नहीं रह सकती। भगवान के लिए चुप हो जाओ छोटी बहू। तो तुमने इसके कान भरे हैं और इसके मन में हमारे खिलाफ जहर तुमने खोला है, इसीलिए 10 मिनट में 10-10 लंबी जबान निकाल कर हम लोगों से लड़ना शुरू कर दिया। बेगुनाह बड़ी भाभी को क्यों दोष दे रही है? इसलिए कि वो आपके इल्जाम और गालियाँ सुनकर चुप हो जाती है? ये चुप हो जाती होंगी लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। मैं जबरदस्ती जुल्म और गाली सुनने की आदी नहीं हूँ। छोटी बहू, ये साड़ी मोहिनी को दे दो। नहीं दीदी, ये साड़ी मेरे गरीब मामा ने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी हुई है। देते समय उन्होंने कहा कि बेटी, अपने ससुराल में जिसे अपनी माँ समझना, उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में ये साड़ी रख देना। तो पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता समान मामा जी ने ये साड़ी मुझे भेज दी है? बेकार साड़ी के लिए झगड़ा हो रहा था। बेटी ला, वो साड़ी मुझे दे दे। जी नहीं, ये साड़ी आपके लिए नहीं है। हाँ नहीं,
ये क्या किया राधा तुमने? माँ जी के रहते हुए ये साड़ी तुमने मुझे दे दी? माँ का प्यार कभी पाया ही नहीं मैंने, बस एक ही आस लगाई रहती थी, जब कभी ससुराल जाऊंगी तो सास की गोद में सर रखकर खूब रोऊंगी, उनसे माँ का खोया हुआ प्यार फिर से पालूंगी। लेकिन इन्होंने इन्होंने माँ नाम के शब्द का इतना अपमान किया है कि जो तस्वीर मैं अपनी माँ की बनाकर आई थी इन्होंने तानों के पत्थर मार मार कर उनके टुकड़े कर दिए। अरे इन्हें तो माँ कहना भी ममता की ताहीन होगी। सुन लिया, ये दो कौड़ी की लड़की कैसी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? ठहर जा, मैं अपनी सहेली की शादी से आती हूँ फिर मजा चखाऊंगी। जाने से पहले तुमने जितनी भी चीजें उठाकर बाहर फेंकी है उन्हें पैक करके रख दो। क्या मैं रखूंगी? हाँ हाँ तुम करोगी, तुम बड़े घर की बहू हो, तुम्हारे घर में बहुत से नौकर चाकर होंगे जो तुम्हारा सारा काम कर देते होंगे, लेकिन तुम्हारी माँ के यहाँ कोई नौकर चाकर नहीं है, इसलिए ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। चलो उठाओ ये सब कपड़े। रहने दो ना छोटी बहू, मैं नहीं दूंगी। तुम कुछ नहीं करोगी और ना ही मेरे बीच आओगी। सुनो, अगर तुम अपनी सहेली की शादी में सही सलामत जाना चाहती हो तो ये कपड़े उठाकर तुम सूटकेस में खुद रखोगी। अरे बाप रे बाप, ये क्या आफत की पुड़िया उठा लाया है रवि। मैं अभी जाके उनसे बताती हूँ, ये क्या मुसीबत आ गई है हमारे घर में। माँ तुम कहाँ जा रही हो? शोभा भाभी, हाँ ये कपड़े तुम सूटकेस में अभी रखोगी। चलो मैं कहती हूँ इस घर में क्या हो रहा है कुछ सुना तुमने? मैंने तुमसे हजार बार कहा है और आज फिर कहता हूँ कि मुझे दिखाई भले नहीं देता हूँ मगर सुनाई देता है, सब सुन लिया मैंने। सुन लिया ना, सुन लिया। तुम्हारी दो कौड़ी की उस छोटी बहुरानी ने मेरा अपमान किया, मोहिनी को नौकरानी बना दिया, उस पर हाथ तक उठा दिया, तुमने सब कुछ सुन लिया फिर भी खामोश बैठे रहे, कुछ कहते क्यों नहीं? कहूंगा, खामोश नहीं बैठूंगा, देखो मैं कैसे कहता हूँ। ओ बड़ी बहू, ये सारी आग उसी की लगाई हुई है, छोटी बहू को चाबी उसी ने भरी है। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ। तुमने महामाया के आगमन की कहानी सुनी है? किसकी आगमन की कहानी? महामाया के आगमन की। ये महामाया कौन है? बता दूं, जब संसार में जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगी, बस लोग खून के आंसू रो रहे थे, ऐसे में वो दस हाथों वाली देवी अपने हाथों में तेजस्वी की माया लिए बिजलियों पर सवार तूफानी हवाओं में बैठकर धरती पर आई और एक ही बार में सबका सर्वनाश कर दिया। यही है महामाया की आगमन की कहानी। तो मेरे घर के संसार में भी जुल्म और अत्याचार बहुत बढ़ गया था, सब लोग मन ही मन में हाहाकार कर रहे थे, जबान खोलने की किसी को इजाजत नहीं थी। ऐसे में उस महामाया ने फिर उतार लिया, अरे मेरी छोटी बहू के रूप में, अरे शंख बजाओ, पूजा करो, अरे आरती उतारो उसकी। मैं अब समझी, तो ये है तुम्हारी महामाया, मैं खुद उसकी आरती उतारूंगी। वो समझती क्या है, तुम्हारी महामाया को झाड़ू के कचरे की तरह इस घर की दहली से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी दुर्गा नहीं। चल हट यहाँ से। ये रहे 10,000 घर के तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए, दो इंस्टॉलमेंट और नया घर अपने नाम। क्यों खुश? अरे तुम्हें मालूम है वो छोटी बड़ी तेज तरार है। अच्छा तो करेंगे क्या? अरे कुछ भी करके बहला फुसला कर मैं उसे अपनी तरफ करने वाली हूँ, कहीं उस बड़ी से मिल गई तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। देवर जी देखिए तो छोटी बहू आई है आपका आशीर्वाद लेने। अरे अरे आओ आओ, देखिए जी ये हमारी प्यारी सी मुन्नी सी छोटी बहू है। छोटी बहू? अरे रहने दीजिए, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ। अच्छा भाई साहब नमस्ते। अरे तुम कैसे जा सकते हो, आप भी कमाल करते हैं। क्या? आप छोटी बहू को पहली बार मिल रहे हैं, आप मुंह दिखाई नहीं देंगे क्या? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, एक मिनट ये रख लो। नहीं नहीं इसकी क्या जरूरत है भाभी, कुछ बोलो। अरे ना लो राधा लो। हाँ हाँ बिल्कुल रख लो, ये तो रस्म है, ये 200 रुपए ले लो और अपनी पसंद की कोई चीज खरीद लेना। हाँ अरे राधा तुम बड़े भैया के पास भी तो गई थी ना, उन्होंने मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया? आशीर्वाद। सिर्फ आशीर्वाद? हाँ आसान तरीका है ना,
आशीर्वाद ही तो एक ऐसी चीज है जिसे लोग दे भी देते हैं और पैसे भी खर्च नहीं होते। छोटी बहू तुम कौन से कमरे में रहोगी? उस कमरे में जिसमें सामान रखा है। क्यों भाभी? सामान वाले कमरे में? लेकिन उस कमरे में तो हमने अपने नए घर के फर्नीचर खरीद के रखे हैं। आपके फर्नीचर को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी, आई प्रॉमिस। हमारा घर बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। जब आप नए घर में जाएंगे तो आप माजी और बाबूजी को साथ लेके जाएंगे या सिर्फ अकेले? ना बाबा ना, हमारा दिमाग खराब है जो हम उनको अपने साथ लेके जाएंगे, और खास करके उस बूढ़े अंधे को। मैं बाबूजी को दवा देकर आती हूँ। भाभी देख छोटी, मेरी बात ध्यान से सुन ले। अगर तुम इस घर में राज करना चाहती हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। फिर देखना, दिन दशहरा, रात दिवाली, चांदी ही चांदी। अच्छा, काफी देर हो गई है, मैं भी चलती हूँ। अच्छा। लकड़े का लड्डू है, मेरे दांतों से तो नहीं चबेगा, बहुत चालाक है। जी आइए दीपक भैया, बैठिए। थैंक्स। कहिए भैया क्या लेंगे आप? घर से मैं नाश्ता करके ही निकला हूँ। दरअसल मोहिनी की गलती की वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये आप क्या कह रहे हैं, ननंद भाभी में तो नोकझोंक होती रहती है, आप बिल्कुल चिंता न करें। ओहो, तो आप यहाँ हैं? मुझसे तो घर से कहकर ये निकले थे कि ऑफिस में जरूरी काम है, तो ये है आपका जरूरी काम? नहीं मोहिनी, वो तुम घर चलो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे झूठ बोले का नतीजा क्या होता है। चलो एक मिनट मोहिनी, मेरा बैग। अरे भाग गया तुम्हारा बैग, तुम घर चलो, चुड़ैल के पास बैठे। चलो तुम, मैं बताती हूँ। मैं लबे शिकवा को सी लेता हूँ, चंद घड़ियां है यूं ही जी लेता हूँ, एक बार समझ लेता हूँ जिसे दोस्त का हाथ, फिर उस हाथ से जहर भी पी लेता हूँ। तुमने गर्दन झटक दी होगी ना? आपको दिखाई देता है? इन आंखों से नहीं दिखता, मगर मन की आंखों से सब दिखता है। बाबूजी आज बेटी आज। बड़ी भाभी कह रही थी कि आपके पैर दुख रहे, मैं दबा दूं? ढोंगी कहीं की, पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं बेटी नहीं, तू मेरे पैर रहने दे, तू अपनी सास का गला दबा दे। क्या कहा आपने, मेरा गला दबाने के लिए? तू बड़को मत, तुम्हारा हमदर्द हूं ना। असल में क्या है, जैसे आदमी पैदल बहुत चलता है तो कैसे उसके पैर दुखने लगते हैं, तो तुम्हारा गला बहुत चलता है, गालियां देने में चलता है, फटकारने में चलता है, चीखने में चलता है, तो कितना दुखता होगा। दबा देंगे तो जान आ जाएगी, फिर से चिल्ला सकोगी। लाओ मैं भी दबा देता हूँ। आप अपने हाथ दूरी रखिए, समझे, गला दबा दूं। ए मैं मजाक कर रहा हूँ, कभी सचमुच का मत दबा देना।